अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूडीज किचन विद आमना। कैसे हैं सब? आज मैं बना रही हूँ सिंगापुरियन राइस। उसके लिए जो है मैंने यहाँ पे नूडल्स जो हैं वो बॉईल कर लिए हैं और राइस भी जो है वो मैंने बॉईल कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने ग्रीन चिलीज ली हैं, कैरेट्स लिए हैं और कैप्सिकम्स लिए हैं। और जो है मैंने यहाँ पे ये चिकन लिया है, दो ब्रेस्ट के पीस लिए थे, इसको मैंने ऐसे स्लाइसेस में जो है कट कर लिया है। यहाँ जो है मैं चिकन का मसाला बनाऊंगी, उसके लिए मैं सबसे पहले जो है जिंजर गार्लिक के बाद जो है अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून, चिली पाउडर ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून, कोरिएंडर पाउडर भी सेम 1 टेबल स्पून। अब मैं इसमें ये जो तंदूरी चिकन तंदूरी है ये मैं 1 टेबल स्पून ऐड करूंगी। अब मैं इसमें ये लेमन मैरिनेट जो है ये ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून जो है ऑयल डालूंगी। अब मैं इसको मिक्स कर लूंगी। अब मैं ये चिकन में जो है ये डाल दूंगी। अब मैं इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लूँगी। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। अब जो है मैं चिकन को फ्राई कर लूँगी थोड़ा सा ऑयल डाल के। क्योंकि ऑयल मैंने इसमें भी ऐड किया है। हाई फ्लेम में मैं इसको पकाऊंगी। मैं इसमें हाफ ग्लास जो है पानी डाला है। अब मैं इसको जो है कवर कर दूंगी और हाई फ्लेम में। ये देखिए चिकन जो है वो तैयार है। अब मैं इसकी गैस जो है वो बंद कर दूंगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब जो है मैं इसमें 2 टेबल स्पून जो है ऑयल डालूंगी। अब जो है मैं इसमें गार्लिक डाल दूंगी। अब इसको मैं सौते कर लूंगी। अब मैं इसमें ये कैप्सिकम, कैरेट और ये ग्रीन चिलीज डाल दूंगी। वेजिटेबल्स को जो है ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना है, हल्का सा जो है फ्राई करना है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून सोया सॉस डाल रही हूँ, नमक 1/2 टीस्पून जो है मैं नमक इसमें डाल रही हूँ और ब्लैक पेपर भी जो है वो 1 टीस्पून। 1 टेबल स्पून मैं इसमें ये हॉट सॉस डाल रही हूँ। अब मैं इसमें ये नूडल्स डाल दूंगी। और इसको मिक्स कर लूंगी। देखिए ये तैयार है। अब मैं गैस जो है वो बंद कर दूंगी। अब मैं सॉस बनाऊंगी। उसके लिए मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून जो है तहीना लूंगी। अब मैं 2 टेबल स्पून ही ये मायो डालूंगी। ये देखिए ये वाली मायो डालूंगी मैं। 2 टेबल स्पून मायो डाल दी मैंने। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून ही केचप डालूंगी।
अब मैं इसमें ये हॉट सॉस जो है ये 2 टेबल स्पून डालूंगी। अब मैं इसको मिक्स कर लूंगी अच्छे से। मैं इसमें थोड़ी सी केचप और ऐड करूंगी। सॉस जो है वो तैयार है। अब मैं एक बॉटल में जो है सॉस डाल लूँगी। देखिए राइस भी रेडी हैं, नूडल्स भी रेडी हैं और ये चिकन भी तैयार है। ये सॉस भी जो है मैंने इस बॉटल में डाल ली है। अब जो है मैं प्लेटिंग करूँगी। यहाँ पे मैंने प्लेट ले ली है। अब मैं इसमें जो है राइस डालूंगी। राइस डालने के बाद अब मैं इसमें नूडल्स डालूंगी। नूडल्स डालने के बाद अब मैं इसमें चिकन डालूंगी। अब मैं इसमें थोड़े से स्प्रिंग अनियंस डालूंगी। और साथ में फ्रेश कोरिएंडर डालूंगी थोड़ा सा। अब मैं इसमें जो है ये सॉस डालूंगी। ये देखें ये तैयार है। ये देखें सिंगापुरियन राइस जो है वो तैयार है और ये बहुत मज़े के बनते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।